बिग बॉस ओटीटी पर नॉमिनेशन टास्क चल रहा है और आप सभी जानते ही हैं कि पंचायत टास्क है और राकेश शमिता के साथ कोई भी एक कनेक्शन पंच में शामिल होकर बिग बॉस जो इल्जाम बोलेंगे वो बताएगा कि इल्जाम किस पर सही साबित होता है। तो पहला इल्जाम था काम चोरी का, जिसमें मूज और निशांत को कामचोर बताया गया, लेकिन अब जो है ऑडियंस के हाथ में पूरा का पूरा ये डिसीजन था कि क्या वाकई में मूज और निशांत कामचोर है। अगर तो पंचों का डिसीजन सही है और उससे सहमत है ऑडियंस, तो मूज और निशांत जो है वो नॉमिनेटेड हो जाते। लेकिन अगर पंचों ने डिसीजन सही नहीं किया तो शमिता और राकेश के साथ जो पंच बने थे यानी कि जिशान और दिव्या वो नॉमिनेटेड हो जाएंगे। ऐसे में अब ऑडियंस ने डिसीजन दे दिया है कि क्या वो भी मानती हैं कि निशांत और मूज कामचोर हैं। तो डिसीजन आया है ऑडियंस नहीं मानती निशांत और मूज को कामचोर, जिसकी वजह से अब जिशान और साथ में दिव्या इस हफ्ते के लिए नॉमिनेटेड हो चुके हैं। तो ये है इस हफ्ते का पहला नॉमिनेशन, वो है दिव्या और जिशान। दूसरा जो है राउंड शुरू हो गया है, इसमें इनको ये बताना है कि घर का कौन सा सदस्य जो है सबसे ज़्यादा अनहाइजेनिक यानी कि अस्वच्छ है। इसमें राकेश और शमिता के साथ पंच बने हैं रिद्धिमा और करण, यानी कि अब वो जिसको नॉमिनेट करेंगे अगर ऑडियंस ने उससे सहमत नहीं हुई तो फिर रिद्धिमा और करण भी नॉमिनेट हो सकते हैं। तो पहला जो कपल अब बना है नॉमिनेशन में आने वाला वो है जिशान और दिव्या।